हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं कुणाल, स्वागत करता हूं आप सभी का केएस टीवी के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने ऐसा कहा है कि वो डेवलप कर रहा है एक आर्टिफिशियल ह्यूमन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आर्टिफिशियल ह्यूमन बहुत ही जल्द आने वाला है सैमसंग की तरफ से, और इसको डिस्प्ले करने वाले हैं वो CES 2020 में। तो दोस्तों, आखिर ये जो आर्टिफिशियल ह्यूमन है वो एक तरह का डिजिटल असिस्टेंट है, और सैमसंग ने ऐसा कहा है कि अब तक हमारा जो डिजिटल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, या फिर सैमसंग का ही बिक्स भी हो गया, इन सभी तरह के डिजिटल असिस्टेंट्स के एक्सपीरियंस के बिल्कुल बिल्कुल विपरीत और एनहेंस्ड एक्सपीरियंस आपको देने वाला है ये सैमसंग का नया आर्टिफिशियल ह्यूमन। इस आर्टिफिशियल ह्यूमन का नाम रखा है सैमसंग ने नियॉन। तो आखिर क्या क्या ऐसी खूबियां है इस नियॉन के अंदर, और आखिर क्या हो सकता है ये आर्टिफिशियल ह्यूमन, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं अभी इस वीडियो के अंदर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग एक तरह का आर्टिफिशियल ह्यूमन बना रहा है जिसका नाम है नियॉन, और सैमसंग इस नियॉन के मदद से हमारा जो स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से रीइन्वेंट करना चाहता है सैमसंग। और दोस्तों, इस आर्टिफिशियल ह्यूमन यानी कि नियॉन को अनवील करने वाला है सैमसंग CES 2020 में, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचे है CES 2020 में। तो जैसे ही ये अनवील करता है सैमसंग, सबसे पहले हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी दे देंगे इस आर्टिफिशियल ह्यूमन नियॉन के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमें जो जो पता है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों, सैमसंग ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी बनाई है इस आर्टिफिशियल ह्यूमन नियॉन के लिए। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां पर जा करके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और साथ ही साथ इसके साथ उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर एक डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ है आर्टिफिशियल ह्यूमन इक्वल टू नियॉन इस नाम से। ट्विटर के ऊपर इस पेज पे आप देख सकते हो आर्टिफिशियल ह्यूमन इक्वल टू नियॉन। और दोस्तों, ये जो नियॉन है वो किसी भी तरह से बिक्सबी का नेक्स्ट वर्जन नहीं है। सैमसंग ने खुद ही ये क्लैरिफाई कर दिया है कि नियॉन इज नॉट द नेक्स्ट वर्जन ऑफ बिक्सबी। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिक्सबी बहुत जल्द जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिक्सबी रहने ही वाला है, लेकिन ये जो नियॉन है वो अपने आप में एक नया स्मार्ट असिस्टेंट बनने वाला है, जो कि एक तरह का आर्टिफिशियल ह्यूमन है। तो दोस्तों, ये जो नियॉन है वो एक तरह का AI पावर्ड डिजिटल ह्यूमन है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स की तरह एक्सप्रेशंस, इमोशंस और जेस्चर्स को रेप्लिकेट कर सकता है। यानी कि हम हमारे फोन के जरिए उस ह्यूमन बींग यानी कि डिजिटल असिस्टेंट नियॉन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह। तो मैं सोच नहीं सकता दोस्तों कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं अभी से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम गूगल असिस्टेंट, सीरी, उनके जरिए जो इंटरेक्शन करते हैं वो इतना ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये जो नियॉन है वो हमें बहुत ही ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देने वाला है, बिल्कुल एक ह्यूमन के साथ हम बात कर रहे हैं ऐसा हमें फील आएगा। और सैमसंग ने कुछ इमेजेस भी लीक करी है, जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछे है कि हैव यू एवर मेट अ ह्यूमन विच कैन स्पीक इन 5 languages, जिससे एक बात जाहिर होती है कि ये जो नियॉन है वो 5 अलग अलग लैंग्वेजेस जो दुनिया भर में बोली जाती है, उन सारे लैंग्वेजेस में हमारे साथ कन्वर्स कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे इस नियॉन को लेकर के। तो फिलहाल के लिए तो मुझे बस इतना ही पता है नियॉन के बारे में, इसीलिए मैंने सोचा कि यार एक छोटा सा वीडियो बना दो, ताकि आप भी एक्साइटेड रहे नियॉन को लेकर के। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस नियॉन के बारे में जान ले, क्योंकि ये बहुत ही जल्द आने वाला है और शायद हमारा एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदलने वाला है। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप एक्साइटेड है इस आर्टिफिशियल ह्यूमन नियॉन को लेकर के, जो कि सैमसंग बहुत ही जल्द लाने वाला है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल केएस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए केएस टीवी।